मैं नंद नगरी थाने के सामने ही साइकिलों की दुकान करता था, और साइकिल जो ठीक करने के लिए वो सड़क पर रहती थी, पुलिस वाले पैसे मांगते थे, और जब मैंने पैसे उनको नहीं दिए तो उन्होंने 28/5/97 में मुझे और मेरे भाई को उठवा लिया और थाने में बुरी तरह से मारा। मेरे भाई से ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ़ झूठा केस बनवा लिया, और उसके बाद में जो है हमारे फैमिली ने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया, तो CP साहब बहुत अच्छे थे, TR कक्कड़ साहब, उन्होंने 2 DCP 2 ACP को भेजा था थाने में, और उन्होंने मेरी जान बचाई। उसके बाद में मेरी जमानत कोर्ट में हो गई थी, और मैंने 22 साल यहाँ कोर्ट में केस लड़ने के बाद में, और ये हमारे जो एडवोकेट हैं मनजीत सिंह एडवोकेट हैं, बाकी कई एडवोकेट इसमें बीच में रहे, लेकिन वो उनसे पुलिस वाले से मिल गए, उन्होंने कर ये बताइए जब ये घटना हुई थी सन कितना था? 1997 को, और मुझे आज ये न्याय दिया है क्योंकि जज साहब बहुत अच्छे हैं और उन्होंने पूरी बारीकी से देखा भाई किसकी गलती क्या है। तो अब SHO जो था पहले तत्कालीन एडिशनल SHO, तो वो ACP हो गया, उसको 1 साल की सज़ा, 6 महीने की एक और 3 महीने की एक और 1 लाख रुपये जुर्माना। इस 22 सालों में किस तरीके का आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? 22 साल में इन्होंने मुझे इतना परेशान किया, झूठे मुकदमे करवा दिए 6-7, तो एकदम ही इनका एक राजेश शर्मा था SHO, उसके द्वारा कड़ी पार की कोशिश करवाई, DC बनाने की कोशिश करवाई, जबकि मैं बनिया दुकानदार आदमी, सारे केस बरी हो गए, और एक अच्छा आदमी हूँ पब्लिक की मदद करने, लेकिन उसके बाद भी पुलिस से संघर्ष लेना मुझे बहुत भारी पड़ा। मैंने कई लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन हाँ आदमी ये तसल्ली है कि इन पुलिस वालों को सजा हुई है। तो कैसे आप हिम्मत दिखाया कि इतने सारे दबाव के बावजूद भी है आपने जो संघर्ष किया? हिम्मत बस भगवान की है, एक मैंने भगवान ने जो है अच्छे एडवोकेट भेज दिए और अच्छे जज साहब भेज दिए, और उन्होंने पूरी पूरी तरह से देखा, जज साहब ने बारीकी से देखा है कि भाई क्या किसी गलती हुई, और किसी का दबाव नहीं माना, जबकि SHO नंदनगरी का आया था, उसने SHO ने अभी फिलहाल मुझे बंद किया था झूठे में कि या तो फैसला कर ले और नहीं तो ये भी बंद कर दूंगा। मन का जी कर दो, लेकिन इस केस में मैं फैसला नहीं करूंगा। आपको जो उठा के ले गया था किस चीज से मारा गया था, किस तरीके से मारा गया था? लात घूसा डंडा चप्पल भी मारने शुरू कर दी उन्होंने तो, और सारे कपड़े पड़े फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी कि आती है। क्या बोल रहा था, क्यों मार रहा आपको? क्योंकि मैंने पुलिस वालों की शिकायत कर दी थी, क्योंकि मना कर दिया था। किसको शिकायत किया था? यहाँ पुलिस कमिश्नर को किया डडवाल साहब, और डडवाल साहब ने बुला लिया था SHO को, तो उस दिन SHO छुट्टी पे थे प्रकाश खेड़ा। तो आज आप राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से राहत, मैं कहूँ कि पब्लिक को। और इस दौरान आपको घर वाले ने बताया कि इस तरह का संघर्ष मत करो, छोड़ दो, दबाव इतना पड़ रहा? हाँ जी, घर वालों ने कहा भाई बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी, सारा पैसा तो तुम कोर्ट में लगा रहे हो, लेकिन मन का चलो, लेकिन इन्होंने जो मेरे साथ किया है उसका इनको दंड मिलना बहुत जरूरी था, तो इसलिए मैंने पूरा संघर्ष किया है ताकि लोगों के साथ बाकी लोगों के साथ ना करें। और पुलिस वाले कहते हैं ये हमारा क्या बिगड़ा है, हम तो पैसे देकर छूट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे देकर छूट जाते हैं वो, उनको मुझे भी पैसे दे रहे थे कि जी मुझसे 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, मैंने कहा मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, जो जज साहब ने, अब मैं 40,000 रुपये इन पे 2 SHO पे कराया, 40,000 रुपये उसी में तसल्ली है, उनको सजा करिए। अगर ये हाई कोर्ट जाते हैं तो आपका क्या? हाई कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, सब जगह सजा दिला के। हाँ, भगवान ने मुझे जिंदा इसलिए रख रखा है, ठीक है, और हमारे वकील साहब हैं। मंजीत जी, क्या पूरी प्रक्रिया रही, किस तरह से आप लोग कोर्ट में बातों को रखे, क्या सब पूरा मामला आया सामने, क्या सब डिसीजन? सर, ये अपना केस 1997 से लड़ रहे हैं, मुझे 2 साल हो गए इनका केस देखते हुए। इनके साथ पुलिस ऑफिसर ने बहुत बुरा करा, नंदनगरी थाने वालों ने मारा पीटा, जान से मारने की धमकी दी, इनके ऊपर 6 केस और लगा दिए जिसमें ये डिस्चार्ज हो गए, बरी हो गए। अब कल लास्ट में जज साहब ने 3 पुलिस ऑफिसर को सजा करी है, पुलिस ऑफिसर को, जिसमें 2 additional SHO हैं जिनको जज साहब ने 40,000 रुपये फाइन करके उन्हें प्रोबेशन के ऊपर छोड़ दिया, और तीसरा एक और जो अपना रिटायर्ड ACP है, मैं नाम बता देता हूँ इनके, एक राजबीर सिंह को कन्विक्शन करी है, राजबीर सिंह, जिन्हें 1 लाख रुपये का जुर्माना करा गया, साथ में 1 साल की सजा करी गई है सेक्शन 342 में IPC, और सेक्शन 506 में इन्हें 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट करी गई है, और सेक्शन 323 IPC में 3 मंथ की इम्प्रिजमेंट करी गई है, और बाकी जो अदर पुलिस ऑफिसर हैं 2, उन्हें 40,000 रुपये का फाइन करके उन्हें प्रोबेशन के ऊपर छोड़ दिया गया, क्योंकि इस समय वो ऑन ड्यूटी हैं, और रिटायर्ड जो ACP है उसे 1 लाख रुपये का जुर्माना और 1 ईयर की इम्प्रिजमेंट करी है। इसमें अपील में रिटायर्ड ACP जाएगा, बाकी 2 अदर पुलिस ऑफिसर हैं वो अपील में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने प्रोबेशन के ऊपर कोर्ट ने इनको छोड़ दिया 40,000 रुपये का जुर्माना करके सिर्फ। तो टोटल कितने पुलिस वाले को सजा मिली है? और टोटल
5 पुलिस ऑफिसर थे जिसमें से 2 की डेथ हो गई है और 3 पुलिस ऑफिसर को इसमें कन्विक्शन करी गई है। 2 अभी एडिशनल SHO हैं इंस्पेक्टर लेवल और 1 ACP रिटायर्ड है जिन्हें कन्विक्शन करी गई है। और प्रोबेशन पे जो है 2 को छोड़ा गया है, राजबीर सिंह को प्रोबेशन पे नहीं छोड़ा गया, उसे 1 ईयर की इंप्रिजमेंट करी गई है सेक्शन 506 में और 6 मंथ की 342 IPC में और 3 मंथ की 323 IPC में कन्विक्शन करी गई है, उन्हें प्रोबेशन पे नहीं छोड़ेगा और 1 लाख का फाइन करा गया।